शोरूम फुल अपग्रेड करा दिया। एंड पैक यार एक बार टैब निकाल लेता हूँ, जब दिखाऊंगा ना तो तुम्हारे भाई ने भाई एकदम शोरूम फुल मस्त अपग्रेड करा दिया। एंड तुम्हारे भाई ने अपना कंटेनर फुल मस्त अपग्रेड करा दिया। इनसाइड भाई एकदम मस्त विंडो विंडो लगवा के एकदम बैड बैड मस्त वाला लगा लिया। तो देख सकते हो भाई विंडो भी मस्त वाली लगवा दी। एंड भाई तुम्हारे भाई ने घर भी फुल्ली मतलब मस्त अपडेट करा दिया, सब चीज़ भाई फुल मस्त अपडेट करा रखी है। एंड भाई बाहर से घर का लुक देख सकते हो, इनसाइड भी घर का लुक देख सकते हो भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। एंड गाइस आज हम वापस से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल। एंड वेलकम बैक, हमारी अब लग्जरी डीलर से पहुंच चुकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, दो दो फरारी आरआर खड़ी हुई है, एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, एक ये तो भाई टोयोटा सुप्रा है, चलो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है बट बहुत महंगी है भाई ये भी। एंड लॉर्ड मस्टैंग, और भाई फिर तीसरी कौन सी है भाई, ये गाड़ी कौन सी है एक सेकेंड देखते हैं भाई। ओके तो हमने भाई फरारी भी खरीद रखी है, दो दो फरारी खड़ी हुई हैं। ओके तो अब सीधा ट्यूनिंग एरिया में ले चलता हूँ एंड फिर उसके बाद कराएंगे कलर। तो जल्दी से यहाँ पर ही रोक लेते हैं और करा लेते हैं भाई ट्यूनिंग। हाँ भाई भाई पर ओके, तो इसके अंदर रेसिंग किट लगा देते हैं एंड ड्रिफ्ट किट को हटा देते हैं भाई, ड्रिफ्ट किट डिफॉल्ट किट रहने देते हैं। एंड टर्बो लगा देते हैं, एनओएस इसके अंदर नहीं लगवा सकते भाई क्यों, और थोड़ा सस्पेंशन बिल्कुल डाउन कर देते हैं। एंड लाइट फुल वाइट कर देते हैं। एंड पिलेट, पिलेट के ऊपर यस अपना नाम लिखने वाले हैं भाई हम ऑफकोर्स SH। ओके तो यहाँ पर अपना भाई नाम हो चुका है एंड ये भी हो चुका है। व्हील तो भाई मस्त लग रहे हैं बट मैं सोच रहा हूँ ये वाले लगा लें। एंड भाई गाड़ी हो चुकी है, फुल ट्यूनिंग हो गई है गाड़ी पर भाई, अब फुल अपग्रेड हो गई है गाड़ी। एंड निकलते ही देखना भाई क्या गाड़ी जाने वाली है। एंड चल के भाई पहले चलते हैं एंड गाड़ी पे थोड़ा कलर कराते हैं भाई, ब्लैक कलर आने वाला हूँ, फुल ब्लैक कलर आई थिंक मस्त लगेगा। पहली कोई गाड़ी होगी जिस पर मैं फुल ब्लैक कलर करा रहा हूँ भाई। तो कलर भी अपना हो चुका है भाई और अब देखते हैं बाहर निकाल के गाड़ी कैसी लग रही है भाई। गाड़ी सच्ची में बहुत मस्त लग रही है, तो सीधा इसे लेकर अपने भाई शोरूम पर खड़ा करते हैं। और जो हमने गाड़ियां लेकर आए ना, वो सभी गाड़ियों को पहले मैं उन सभी गाड़ियों को मैं सेल पर लगाऊंगा एंड अपने शोरूम को अपग्रेड भी करना है। तो ये दो काम है, तो सबसे पहले यही दोनों काम कर लेते हैं चल कर। एंड गाड़ी को भाई खड़ा कर देते हैं, अपना एम्प्लॉय आराम से इस पर कपड़ा मार देगा। और अगर आप लोगों ने, और हाँ यार जब मैं ये गाड़ियाँ सब लेकर आया था ना ढूंढ के, तो तभी मेरे को एक स्किल पॉइंट भी अनलॉक हुआ था, तो वो अभी तक स्किल पॉइंट मैंने यूज़ नहीं कराया, तो इसे भी यूज़ करेंगे। तो कुछ दो चार कस्टमर आ रखे हैं न्यू न्यू गाड़ी के लिए, एक तो हमारी भाई टोयोटा सुप्रा का बंदा आ रखा है, इससे बात कर लेते हैं। 1,08,000 को बोल दिया और 1,08,000 में भाई गाड़ी बिक भी गई। और एक और बंदा रखा है जो है ऑडी आरआर के लिए, भाई बहुत महंगी गाड़ी है, अगर ये बिक गई तो समझो भाई अपना काम बन गया। एक और टोयोटा सुप्रा का कस्टमर आ चुका है और इसके भी 1,10,000 डाले हुए हैं। एंड इसके कितने मिल रहे हैं देखते हैं, ए इसके भी मेरे हिसाब से 1,05,000 तो मिल ही जाएंगे। तो 1,05,000 मैंने ऑफ़र कर दिए और मेरे हिसाब से 1,05,000 में ये डील डन। ठीक है ये भी भाई बिक गई अपनी, और अपना एम्प्लॉय मस्त एकदम गाड़ियों पे कपड़ा वपड़ा मार रहा है। एंड इतने जितने कोई कस्टमर नहीं आता है, इतने अपने वो अनपेड बिल को भाई पे कर देते हैं। बिल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बढ़ रहे हैं, कहाँ से बढ़। टैब निकालते हैं और अपने ऑफिस को अपग्रेड कर लेते हैं। एंड बैग जाते हैं होम पर एंड अपग्रेड सियरे। तो अपना ऑफिस जो है 2 लेवल का है, इसे अपन करने वाले हैं 3 लेवल का। $7,00,000 लगे, 3 लेवल का हो चुका है। एंड पार्किंग तो अपनों ने सारी खोल रखी है, मतलब टो पार्किंग तो अपनों ने सारी ही खोल रखी है। एंड ऑफिस फुल अपग्रेड हो चुका है गाइस, पैक करते हैं। एंड अब थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं अपने ऑफिस पर। मार्केट में क्या रखा है, ये लगवा लेते हैं, ये क्या है ये भी लगवा लेते हैं। एंड ये क्या है भाई, वालो भाई सब लगवा लो, सब लगवाने वाला हूँ भाई मैं। ठीक है बाय कर लेते हैं, ये बोल हो गई, ये वाला मस्त लग रहा है मुझे ये। ओके अपनी ग्राउंड फुल मस्त करा लेते हैं। एंड फेंसिंग भाई ये वाली कराए या ये वाली कराए, ये करा लेते हैं। एंड अपना कंटेनर भी थोड़ा बहुत अपग्रेड गाइस, मस्त वाला बेड लग जाएगा, लगा लेते हैं। एंड अपने घर को भी थोड़ा अपग्रेड कर लें, बेडरूम के अंदर ये वाला लगवा लेते हैं भाई मस्त। अलमारी भी भाई मस्त वाली लगवा लेते हैं। एंड डोर ओके, तो तुम्हारे भाई ने भाई सब कुछ मस्त अपग्रेड करा दिया, तुम्हारे भाई ने शोरूम फुल अपग्रेड करा दिया। एंड बैक यार एक बार टैब निकाल लेता हूँ, जब दिखाऊंगा ना तो तुम्हारे भाई ने भाई एकदम शोरूम फुल मस्त अपग्रेड करा दिया। एंड तुम्हारे भाई ने अपना कंटेनर फुल मस्त अपग्रेड करा दिया। इनसाइड भाई एकदम मस्त विंडो विंडो लगवा के एकदम बैड बैड मस्त वाला लगा लिया। देख सकते हो भाई विंडो भी मस्त वाली लगवा दी। एंड भाई तुम्हारे भाई ने घर भी फुल्ली मतलब मस्त
अपडेट करा दिया सब चीज़ भाई, फुल मस्त अपडेट करा रखी है। एंड भाई पहाड़ से घर का लुक देख सकते हो, इनसाइड भी घर का लुक देख सकते हो भाई। और छोड़ो जितने वहाँ पर दूसरी गाड़ी आ रखी है, मैं इतने अपनी भाई फोर्स में बैठते हैं एंड इसको मस्त ट्यूनिंग कराने आया, कलर कराना है तो उसके लिए ले चलते हैं, पहले कलर करा लेते हैं ठीक है। ये तो मस्त लग रही है भाई अपनी गाड़ी, तो ट्यूनिंग के लिए खड़ा करते हैं अपनी इस गाड़ी को एंड इस पर करा लेते हैं भाई ट्यूनिंग। भाई जवान भी लड़खड़ाने लगी है, रेसिंग किट लगा सकते हैं हम, ESP भी लगवा सकते हैं हम, NOS भी लगवा सकते हैं एंड टर्बो तो इसके अंदर ऑलरेडी होगा एंड ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम कर लेंगे गाइस। लाइट यार रोशनी नहीं करती ना, फुल वाइट वाली बहुत मस्त रोशनी करती है। एंड नाम अपना लिखा लेते हैं, ये तो अपना नाम लिखा जा चुका है गाड़ी पर। एंड व्हील भाई ब्लैक डलवाने वाले, ये वाले मस्त एकदम बैक भाई, सारी कुछ अपग्रेड हो चुकी है अपनी गाड़ी। और अपना स्किल पॉइंट से भाई कल अनलॉक कर लेते हैं अपनी भाई ये स्किल। भाई बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा बट मस्त मज़ा आ चुका है एंड हम अब एकदम अपनी गाड़ी को ऐसे क्लीन कर सकते हैं। यस तो सारी गाड़ियाँ भाई सेल पर लग चुकी हैं, कैब को अंदर रखते हैं एंड देखते देखते देख लो कितने सारे कस्टमर आ चुके हैं, सारी गाड़ियों को ऑलमोस्ट कस्टमर आ चुके हैं। 10,000 मिलने, बार्गेन करते हैं 11,999 डाल देता हूँ, मेरे हिसाब से मस्त बिक जाएगी ठीक है। बिक गई, देखा एक गाड़ी गई एंड देखते रहो भाई किस तरीके से कितनी जल्दी जल्दी से मैं सारी गाड़ियाँ बेचने वाला हूँ। NG5 के कितने डाले थे मैंने, याद तो कुछ है नहीं, 85,000 डाले एंड 65 मिलने हैं तो बार्गेन करते हैं 75,999 70,000 डाल दिए, देखते हैं क्या पत्ता बिक जाए। ओके एक गाड़ी और बिक गई अपनी टोयोटा सुप्रा, 1,05,000 डालें। बस देखते रहो यार, तुम्हारा भाई इतने जल्दी गाड़ियों को बेचेगा ना, इसको डोंट सेल करते हैं क्योंकि इसका दूसरा कस्टमर जो खड़ा है ना वो मुझे मालूम है इससे तो ज़्यादा देगा। हाँ देखा मैंने बोला ही था 87, बार्गेन करते हैं और 1,02,000 बोलता हूँ, मेरे हिसाब से 1,02,000 में तो नहीं जाएगी ठीक है। बिक गई भाई, बिक गई। ओके एक गाड़ी और बची है, बात कर लेते हैं। 8,20,000 भाई ये तो बहुत महंगी ODRR बहुत महंगी डाली भाई, 6,64,000 की पैक करते हैं। एंड भाई एक काम करता हूँ मैम, आप थोड़ा होल्ड पर रुकिए, एक न्यू अंकल आए हैं इनसे बात कर लेते हैं, क्या पता ये थोड़े 6,00,000 से ज़्यादा दे रखते हैं। 6,69,000 दे रहे हैं, बार्गेन करते हैं 7,50,000 मांगता हूँ, मेरे हिसाब से 7,50,000 आराम से मिल जाएंगे इस गाड़ी के ठीक है। मिल गए भाई, तो भाई भीड़ देख रहे हो कितनी लगी हुई है, सारी गाड़ियों को सिर्फ मैंने अभी सेल पर लगाया था और 5 मिनट के अंदर अंदर सारी गाड़ियाँ बिक जाएंगी। एंड डोंट सेल, आप जाइए अभी, आपके बस की ये गाड़ी खरीदनी नहीं है। और फोर्स के लिए भाई कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है ए, तो भाई फोर्स भी अपनी सेम प्राइस पर बिक जाएगी। देखो 2,70,000 डाल रखा है ना, 69,999 ठीक है, देख लो बिल्कुल सेम ऑफर और गाड़ी बिक गई। मुझे मालूम था भाई ये किसके लिए, BMW Z3A के लिए, तो एक बार 28,000 डाले मैंने और आई थिंक ओके ओन प्राइस जा रही है तो इसे भी सेल कर ही देते हैं। चलो भाई ले जाइए आप मैडम जी। और अपनी भाई लैम्बोर्गिनी 7,50,000 डालें और 5,96,000 मिलने, आप एक सेकंड होल्ड पर रुकिए क्योंकि इसके भाई सिर्फ लैम्बो लैम्बो बची हैं भाई दोनों, ऐसा क्यों भाई। ओके लैम्बो की एक न्यू कस्टमर आ चुकी है तो इनसे बात कर लेते हैं। देखो प्लीज़ यार ओके 6,04,000 दे रही है ठीक है, इनसे बात कर ही लेते हैं। 6,80,000 मांग लेता हूँ, मेरे हिसाब से आराम से मिल जाएंगे 6,80,000। ओके गाइस तो 6,80,000 में ये गाड़ी भी अपनी हो चुकी है। एंड भाई ट्रक का यार इधर खड़े थे, अरे यार ए, मैं बोल रहा था यार ट्रक के लिए कोई बंदा क्यों नहीं आ रहा। 16 ओके ये भी सेम प्राइस जा रहा भाई, 17,900 सेम प्राइस ट्रक भी अपना बिक गया गाइस। तो बस अपनी एक और गाड़ी बची है, वो है सिर्फ लैम्बोर्गिनी और उसके भी कस्टमर आ रखे हैं तो उसे भी भाई बेच देते हैं, सेल कर ही देते हैं भाई, जब सेल करना है तो कर ही देते हैं। 6,36,000 मिल रहे तो ठीक है, इसे भी 7,30,000 में आराम से बिक जाएगी मेरे हिसाब से गाइस। 7,30,000 मैंने ऑफर करे एंड 7,30,000 में बिक गई भाई, सारी गाड़ियाँ बिक गई गाइस आज, कोई भी गाड़ी नहीं बची है। तो सीधा चलते हैं भाग के अपने ऑफिस करते हैं क्लोज। एंड गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते और देखते देखते रात भी हो गई है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अपनी पोल्स को भाई कर देते हैं भाई अंदर खड़ा कर देता हूँ ताकि भाई क्लीन रहे। और भाई क्या मस्त लग रही है रात में पोर्ट्स का कलर, भाई देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है।